असेंबली है डिबेट के लिए, कंसल्टेशन के लिए, एक दूसरे के राय को सुनने और समझने और उस पर अमल करने के लिए। अगर असेंबली से रूह को निकाल दिया जाए तो असेंबली से चार दीवारी का नाम तो नहीं है। आपने जिसको चार दीवारी समझ लिया, भेड़ बकरियों को चार दीवारी में आकर बंद कर दें, इसके बाद इसे मैमे करवा लें और मैमे करवाने के बाद घरों को भेज दें और चारा उनके साथ दे दें। ये तो असेंबली के रूह के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, राइट ऑफ वोट के खिलाफ है। किसी को आजादी से न वोट करने दिया गया, न किसी को आजादी से बोलने दिया गया, न किसी ने इसको डिबेट किया। ये मैं है तो समझता हूँ इधर हसन साहब की मौजूदगी में जरूरत कर रहा हूँ। ये तो टोटली फंडामेंटल राइट के खिलाफ और आउट राइटली इसको जो है रिजेक्ट हो जाना चाहिए किसी भी फोरम पर।